रतलाम शिवगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मीडिया को जवाब देते हुए बताया कि देखिए मैं चुनाव लड़ रहा था भोपाल से, 3 घंटे राधोगढ़ जाने के और 3 घंटे आने के लगते हैं, इसलिए मैं वोट नहीं डाल पाया। और मैं आपको बता दूं कि भाजपा के 3 मंत्री और कई विधायक सांसद भी नहीं गए वोट डालने, यहाँ तक कि मेनका गांधी भी वोट डालने नहीं गई। मीडिया में मणिशंकर अय्यर वाले बयान पर बोलते हुए बोले कि छोड़िए बेकार की बातों को। नरेंद्र मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर मंच से वोट नहीं डालने के मामले में कहा कि उन्होंने महापाप किया है। आज शिवगढ़ की सभा में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को मंच से शनि बताया, बोले कि मोदी भी शनि हैं और अब 23 तारीख को शनि चले जाएंगे। यही हमसे निवेदन करना चाहता हूँ आपसे कि 19 मई को होने वाले चुनाव में आप हाथ के बटन पर, हाथ का पंजे के निशान के बटन को दबाएं और उसमें से वो दिखेगी पर्ची, दिखेगी हाथ के पंजे की, उसको जरा ध्यान से देख लें, कहीं बटन दबाया आपने कांग्रेस का और पर्ची दिख गई किसी की, तो हम उसी वक्त बंद करके कहो कि साहब गलती हो रही है, इसको सिखाओ लोगों, ठीक है ना। विक्रांत हमारे बीच में है, तेरे शनि महाराज निकल गए, तेरे पैर में आग चोट लग गई, तेरे शनि महाराज गए, हम सब ठीक ठाक हो जाएगा। हमारे विधायक जी का भी पैर में चोट लग गई थी चुनाव में, तो उनके भी शनि उतर गए और देश में से शनि भी उतरने वाले हैं नरेंद्र मोदी जल्दी। यही आपसे अनुरोध करने आया हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की नर्मदे, मेरे साथ नर्मदे की पर कहाँ परिक्रमा करने वाली पीछे होंगे। हाँ ये देखिए, ये हमारे साथ पाटीदार जी नर्मदा परिक्रमा की, इन्होंने 6 महीने 10 दिन तक लीखरा जी ने करी और रतलाम की बैरागी जी ने, उनकी पत्नी दोनों ने की थी। उनका सुना हुआ, ये हुआ तो हुआ करते रहे। उन्हें ये भी आरोप लगाया आपने मतदान नहीं किया। ऐसा है, मैं लड़ रहा था चुनाव भोपाल से, राघुगढ़ वोट डालने के लिए मुझे 3 घंटे आना 3 घंटे जाना निकल जाता है, 6 घंटे निकल जाते तो मेरा पोलिंग की व्यवस्था थोड़ी बिगड़ जाती है, इसलिए मैं नहीं गए। लेकिन ऐसा है, मैं केंद्र के 3 मंत्रियों के नाम बता सकता हूँ जो वोट डालने नहीं गए, भाजपा के अनेक विधायक सांसद नहीं गए, मेनका गांधी स्वयं नहीं जा पाई वोट डालने। सर मणिशंकर अय्यर के बयान को किस तरह छोड़िए बेकार सर, कल कल